एमएस एक्सेल के आज के अध्याय में हम सीखेंगे VLOOKUP के साथ मैच फंक्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहले हम ये जान लेंगे कि VLOOKUP और मैच फंक्शन को अलग अलग अकेले अकेले कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे VLOOKUP के साथ मैच फंक्शन का उपयोग करना। यहाँ पर हमने एक डमी डेटा रखा है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए हैं, उनके प्राइस और उन पर मिल रहा ऑफर। अब यदि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मिल रहा अलग अलग ऑफर जानना चाहते हैं तो ये कार्य आप मैनुअली करने के बजाय VLOOKUP फॉर्मूले की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम लिख दिया है, उसके नीचे हम जानेंगे ऑफर VLOOKUP फॉर्मूले की सहायता से। तो लगाते हैं VLOOKUP फॉर्मूला, इक्वल प्रेस करेंगे, VLOOKUP टाइप करेंगे। जैसे आप VLOOKUP टाइप करना शुरू करते हैं तो नीचे VLOOKUP आ जाता है, डबल क्लिक कर देंगे तो ये देखिए VLOOKUP फॉर्मूले का पूरा सिंटैक्स यहाँ पर आ गया है। इसमें पहला आर्गुमेंट है हमारा लुकअप वैल्यू। हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, हम जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा सर्च करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर देंगे। ये देखिए उसका सेल नंबर यहाँ पर आ गया है, कोमा लगा देंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल अरे। टेबल अरे जहां से आप इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं उस टेबल को आप पूरा सिलेक्ट कर देंगे। तो हमारा टेबल ये है, टेबल को हम पूरा सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जिस भी प्रोडक्ट का आप ऑफर जानना चाहते हैं वो किस कॉलम में है, यहां पर आपको कॉलम नंबर देना है। तो हमें जानना है ऑफर, और ऑफर है हमारा तीसरे कॉलम में 1, 2, 3, तो यहां पर हम 3 टाइप कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। अब एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए VLOOKUP फॉर्मूले ने यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑफर बता दिया है, 790 रुपीज। यहां से आप ये चेक कर सकते हैं 790 रुपीज। अब मान लीजिए यदि आप किसी अन्य प्रोडक्ट का ऑफर जानना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे, और यदि आपने लिस्ट बनाई है तो लिस्ट में से सिलेक्ट कर देंगे। हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम यदि किसी अन्य प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट पर हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए जूसर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जूसर पर जो ऑफर है उसको दर्शा दिया गया है VLOOKUP फॉर्मूला के द्वारा। अब यदि आप ऑफर की जगह प्राइस चेक करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ प्राइस, तो आप ये इस तरह से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस सेल पे क्लिक करेंगे, F2 प्रेस करेंगे फॉर्मूला को विजिबल करने के लिए, और यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑफर था हमारा वो तीसरे कॉलम में था, तो हमने यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर दिया था 3। अब यदि आप प्राइस चेक करना चाहते हैं तो आपको कॉलम इंडेक्स नंबर बदलना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस हमारा है दूसरे कॉलम में, तो हम यहां पर 3 की जगह 2 कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे यहां पर प्राइस इस प्रोडक्ट का आ गया है, ये देखिए प्राइस आ गया है। परंतु यह कोई डायनेमिक तरीका नहीं है, इस तरह से आप बार बार तो करेंगे नहीं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे VLOOKUP फंक्शन के साथ मैच फंक्शन का। VLOOKUP के साथ मैच फंक्शन का उपयोग करने से यह कार्य आसान हो जाता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैच फंक्शन अकेले कैसे कार्य करता है। मैच फॉर्मूला ये बताता है कि पूछी गई वैल्यू कौन सी रो या कॉलम में है, यानी मैच फॉर्मूला वैल्यू की पोजीशन बताता है। हमने यहाँ एक प्रोडक्ट का नाम लिख दिया है जिसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन जानना चाहते हैं। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे मैच फंक्शन का, इक्वल प्रेस करेंगे, मैच टाइप करेंगे, ये देखिए मैच फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए मैच फॉर्मूले का ये पूरा सिंटैक्स यहाँ पर दिख रहा है। पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, हमें पोजीशन पता करनी है LED टीवी की, तो हम प्रोडक्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर देंगे जिसमें प्रोडक्ट का नाम लिखा है, ये देखिए उसका सेल नंबर यहाँ पर आ गया है, कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप अरे। मैच फंक्शन के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है,
कि हम एक बार में एक ही डायमेंशन सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। यानी या तो हम कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, या फिर हम रो सिलेक्ट कर सकते हैं। जबकि VLOOKUP फॉर्मूला में हम पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं, यानी पूरा टेबल सिलेक्ट करते हैं। तो लुकअप अरे क्या है हमारा, हमें पोजीशन पता करनी है किसी प्रोडक्ट की, तो हम प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये LED टीवी की पोजीशन बता दी गई है जो 6th रो में है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। किसी अन्य प्रोडक्ट की पोजीशन जानना चाहते हैं तो लिस्ट में से कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देंगे तो उसकी पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर हम VLOOKUP और मैच फंक्शन का एक साथ उपयोग करते हैं तो इससे हमारा सर्चिंग का टाइम बचेगा। VLOOKUP को मैच फंक्शन के साथ उपयोग करने के लिए हमने एक सेल में प्रोडक्ट का नाम लिया है और दूसरी सेल में प्रोडक्ट की डिटेल ली है। डिटेल यानी प्राइस या ऑफर कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे VLOOKUP और मैच फंक्शन का। इक्वल प्रेस करेंगे, VLOOKUP टाइप करेंगे, देखिए फॉर्मूला आ गया है, डबल क्लिक कर देंगे। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, हमें प्राइस पता करना है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल अरे। टेबल अरे यानी अपनी पूरी टेबल को हम जहां से इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगा देंगे फिर से। अभी देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर। अब चूंकि हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल्स यानी प्राइस या तो या ऑफर जानना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर मैच फंक्शन का उपयोग करेंगे, जिससे कि वो टेबल की रो में सर्च करके एग्जैक्ट मैच ढूंढकर बताएगा। मैच टाइप करेंगे, ये देखिए मैच फंक्शन आ गया है। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, हमें प्राइस जानना है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो हम प्राइस पर इस रो को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप एरे। लुकअप एरे के लिए हम यहां से ये पूरी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर देंगे, पूरा इसलिए क्योंकि या तो हम ऑफर जानेंगे या प्राइस जानेंगे, कॉमा लगा देंगे। अब एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब VLOOKUP फंक्शन के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस आ गई है, यानी 8,000 रुपीज। यहां से हम ये चेक कर सकते हैं 8,000 रुपीज। मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट यहां पर चेंज कर देते हैं, जैसे मैं कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देता हूं, यहां से इन्वर्टर कर देता हूं, तो अब देखिए उसका प्राइस यहां पर आ गया है। अब अगर आप प्रोडक्ट की डिटेल भी चेंज करते हैं तो डिटेल भी चेंज हो जाएगी। जैसे मैं यहां पर प्राइस की जगह कर देता हूं ऑफर, तो आप देखेंगे अब उसका ऑफर यहां पर शो हो गया है। इन्वर्टर पर ऑफर जो है वो 1,000 रुपीज का है, वो यहां से आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से VLOOKUP फंक्शन के साथ मैच फंक्शन का उपयोग करके आप बड़े से बड़े डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को आसानी से सर्च कर सकते हैं।